लोग जो है 7 साल 8 साल से एम्बुलेंस में सेवा दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जीओ भी है कि परफेक्ट वर्कर को ऐसे निकाला नहीं जा सकता, उनका समायोजन हर स्थिति में करना चाहिए। घर के अंदर बंद थे, जब लोग घर के अंदर बंद थे तो हमारे भाई लोग सब लोग दिन रात मेहनत करके उन लोगों को उठा रहे थे जिनसे घर वाले खुद दूर भाग रहे थे। इस कोरोना काल ने दिखा दिया कि भाईचारा और किस तरीके से कौन लोग मेहनत करने वाले लोग होते हैं। हम लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, जिस प्रकार सैनिक बॉर्डर्स पर मेहनत करते हैं और अपनी जान की परवाह करे बगैर दुश्मन से लड़ते हैं, वही दुश्मन आज कोरोना था जो देश के अंदर आ चुका था। हमने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, हमने लगन के साथ सरकार का साथ दिया। सोचिए, अगर ना होता तो एक बार को अगर जब नोटबंदी हुई थी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती, नहीं होता तो आज हेल्थ इमरजेंसी आ चुकी होती भारत के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़, आपके साथ मैं हूं प्राची तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। जी हां, जहां पे 108 एवं 102 कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। ये हड़ताल सुबह शुरू हुई थी शुक्रवार की टाइम, लेकिन जो कि अब तक जारी है। जी हां, ये जानते हैं इनसे, स्वास्थ्य मंत्रालय से इनकी क्या मांगे हैं और जो इनकी हड़ताल है वो कब तक जारी रहेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील सचान, मैं लखनऊ 108-102 एम्बुलेंस से जिला प्रतिनिधि। सर, समस्याएं क्या है आपकी और हड़ताल ये क्यों शुरू किया गया है? सर, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो एलएस एम्बुलेंस कर्मचारी लगभग 1000 से 1200 कर्मचारी हैं, उनको कंपनी की तरफ से निकाल दिया गया है और नई कंपनी को टेंडर दिया गया है। जो हमारी मुख्य मांग है कि उनको समायोजित किया जाए वर्तमान वेतन के हिसाब से। सर, तो हड़ताल अभी कब तक चलेगी ये? अभी कल 23 तारीख से हमारी हड़ताल प्रारंभ हुई थी, आज सेकेंड डे है, कल भी रहेगा। और यदि कल तक हमारे प्रशासन की ओर से मांगे पूरी नहीं की गई तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे के जी के दिशा निर्देश पर समस्त उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार। सर, तो क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब आया है या नहीं आया है? कल से आज तक अभी तक कोई भी प्रशासन की ओर से नहीं आया है, सिर्फ यही हम लोगों को बताया जा रहा है कि आपकी मांगे जायज हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई हमसे मिलने तक नहीं आया। और आज दूसरा दिन लगातार हम लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे रहेंगे। सर, फिलहाल अभी ये धरना जो हो रहा है वो इको गार्डन में किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तो आगे ये धरना असल बदला जाएगा या यहीं रहेगा? आपको बताना चाहूँगा, ये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में एक महा आंदोलन किया जा रहा है, प्रत्येक ज़िले में एक के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार। इसी प्रकार लखनऊ, राजधानी लखनऊ में भी एक बैनर तले हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सर, तो एक बार जनता को ये बताइए, आप लोगों की मांगे क्या क्या हैं और सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं, कब तक ये पूरी होगी? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको पहले तो जो हमारे 1200 एलएस एडवांस लैब सपोर्ट कर्मचारी हैं उनको समायोजन किया जाए उसी पेमेंट पर, उसी सैलरी पर, बिना किसी डीडी के। और दूसरी हमारी मांग है, कोरोना महामारी के दौरान अग्रणी भूमिका निभा रहे कोरोना योद्धाओं, कोरोना वायरस एम्बुलेंस कर्मचारियों को ठेकेदारी से मुक्ति दी जाए और कोरोना काल में शहीद हुए आश्रितों के परिवार को जल्द बीमा राशि 50 लाख और सहायता राशि सरकार की तरफ से जारी हो और कंपनी बदलने पर वेतन में किसी भी तरह की कटौती न की जाए। सभी एम्बुलेंस कर्मचारियों को नेशनल हेल्थ मिशन के अधीन नहीं किया जाता है तब तक मिनिमम वेज तथा 4 घंटे को ओटी दिया जाए, यानी 23,000 लगभग व प्रतिवर्ष महंगाई भत्ता भी दिया जाए। कर्मचारियों की सहानुभूतिपूर्वक यथास्थिति नौकरी पर रखा जाए, प्रशिक्षण शुल्क के नाम पर कर्मचारियों से डीडी ना ली जाए। हम सभी कर्मचारी पूरी कंपनी में सेवा दे रहे हैं, प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, कोविड जैसे महामारी में हम लोगों ने सेवा दी है, यही हमारी सरकार से मांग है। जी सर, जैसा कि सुनने में आया है आप लोगों ने बताया कि कोविड के दौरान आपने समाज की सेवा की, अपनी जान जोखिम में डाल के सब काम किए और आज आपकी ही नौकरियों पे ये बात आ पड़ी है, तो उस पे किन किन चीज़ों की समस्याएं आ रही हैं वो बताइए सर। कोविड जैसे महामारी में हम लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हम लोगों ने मरीजों को, पेशेंट को अपने हाथों से पकड़ते हुए, गोद में लेते हुए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ उनके माँ बाप, उनके परिवार वाले छूते नहीं थे वहाँ पर हम लोग जाते थे। लेकिन आज ये समय, ये मैं अपने लखनऊ राजधानी की बात करता हूँ, यहाँ पर माननीय सांसद जी वर्तमान में केंद्र में मंत्री बने हुए हैं कौशल किशोर जी, और राज्य मंत्री जी को भी कोविड पॉजिटिव हुआ था, हम लोगों ने मरीज को उठा करके अस्पताल में भर्ती कराया था, तब हमको यही आश्वासन दिया गया था आप लोग कोरोना वायरस है। लेकिन आज आलम यह है कि हम लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है।
बहुत ही दुखद घटना है। हम भी बताएंगे, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, लगातार हम लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप बताइए जी, इस समय यह स्थिति है कि सरकार में हमने पत्राचार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी से भी हमने मांग रखी और जनपद सिद्धार्थनगर में हम गए, उनसे मुलाकात भी किए। उनका सीधा कहना था हमारे हाथ में नहीं है। आप यह बताइए मैडम जी कि जब सरकार से ही हमारी पूरी उम्मीदें हैं, वोट के दौरान हम ही युवा आगे आते हैं। अभी तत्कालीन 2022 का विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री जी से अगर उम्मीदें हैं 4 साल के कार्यकाल में यही एम्बुलेंस सेवा इन्हीं के द्वारा हरी झंडी दिखा के सूबे की राजधानी लखनऊ से 250 गाड़ियाँ संचालित की गई थी, यहीं से दिखाया गया था, इन्हीं के कार्यकाल में फिर बंद कर दिया गया। आप ये बताइए, अगर कर्मचारी बेरोजगार हो जा रहा है, उसको निकाल कर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जा रहा है, जो कर्मचारी 12,725 पाता था उसे 10,400 रुपए दिया जा रहा है। मैडम जी, दर्द और पीड़ा है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक युवा में। आज यह आलम है कि हम अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते हैं। आज यह स्थिति है मैडम जी, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई मैडम जी, तो हम लोग पेट पे अगर हमारे लात मारे जा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई मैडम जी, हर स्थिति में हम लोग बैठे रहेंगे, चाहे सरकार चाहे जो स्थिति उत्पन्न कर दे, चाहे छीन ले ठोक दे, कोई मतलब नहीं मैडम जी, हम लोग बैठे रहेंगे। जब हमारा रोजगार ही नहीं हमारे पास रहेगा मैडम जी, तो किस लिए? यही प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। हम कर्मचारियों को उन्होंने कोरोना योद्धा के सम्मान से आवंटित किया था, उन्होंने कहा ये कोरोना योद्धा है, कोरोना काल के हीरो हैं। 1 मीटर से कम दायरे में हमने कोरोना काल करीब मरीजों को मैंने उठाया है, पीपी किट 8-8 घंटे पहनते, शरीर में छाले निकल गए, हमारे 9 भाई शहीद हो गए, कोई सरकार का व्यक्ति उनके घर पूछने तक नहीं गया। आज यह स्थिति, हमको इसी कोरोना काल खत्म होते ही सेकंड फेज में निकाल कर बाहर किया जा रहा है। मैडम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस को ठेके पर चलाया जा रहा है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनता के जान की कोई भी यहाँ पे निष्कर्ष ही नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता की जो जान है वो वेंटिलेटर पे है, इस पे सरकार संवेदनशील नहीं है। अगर संवेदनशील हो तो तत्काल प्रभाव से ठेका प्रथा से इसको मुक्त करके अपने अंडर में सरकार चलाए, हम कर्मचारियों को भी ले, तब 50 लाख का जो उन्होंने कहा था कि मैं 50 लाख रुपया बीमा दूंगा, बीमा आवंटित करवाए। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 5 करोड़ रोजगार दिया जा रहा है। मैडम जी, ये आलम है, उत्तर प्रदेश में 21,423 कर्मचारी एम्बुलेंस कर्मचारी आज बेरोजगारी की आलम पे खड़े हैं। कौन है 5 करोड़ का रोजगार? आइए मैं बताता हूँ मैडम जी, यह स्थिति है। 5 लाख परिवार इनसे जुड़े हुए हैं, आज उनके परिवार का अगर नहीं देखना है, उनके परिवार का नहीं आलम है मैडम जी, उनके परिवार का अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो 2022 के चुनाव में किस प्रकार से कोई भी सरकार, कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी, चाहे राज्य स्तरीय हो चाहे ग्राउंड लेवल पे हो, कोई पार्टी हमसे युवाओं से क्या उम्मीदें रखेगी? मैडम जी, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, सरकार इस पर नहीं एक्शन लेती है, मैडम जी हम महाहड़ताल करेंगे, महाआंदोलन करेंगे और जनता की पूरी सहानुभूति लेंगे, क्योंकि हम जनता के साथ हैं, सरकार और प्रशासन के साथ हैं, हम हड़ताल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारी मांगे अगर 3 दिन के अंदर नहीं पूरी होती है, सरकार का कोई संबंधित विभागाध्यक्ष या मंत्रीगण कोई हमसे बात करने नहीं आता है, हम मजबूरन 26 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी के दिशा निर्देश में कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर सरकार से मेरी एक ही मांग है, अगर उत्तर प्रदेश के युवा को अगर वास्तव में कुछ देना चाहते हैं, एम्बुलेंस कर्मचारियों का असली सम्मान देना चाहते हैं, तो 2022 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के 21,423 एम्बुलेंस कर्मियों को ठेका प्रथा से मुक्त करिए। पूरे उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मी सरकार और पूरे प्रशासन का हमेशा उत्साह वर्धन करेंगे। हाँ बताएं सर, तो जैसा अभी सर ने बताया कि अगर ये आंदोलन, मतलब जो भी काम है, अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो ये चलता ही रहेगा, रुकेंगे नहीं, और वो कार से भी अपनी हट जाएंगे। तो जी बिल्कुल, जिस कार्य का पारिश्रमिक न मिलना हो, जिस कार्य से हमें निकाल दिया जा रहा हो, जहाँ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में हम एम्बुलेंस कर्मियों ने अपने जान माल और परिवार की चिंता न करते हुए पूरे उत्साह के साथ शासन और प्रशासन का साथ दिया, एक अभिलाषा के साथ साथ दिया कि कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ भला होगा, परंतु आज स्थिति यह है कि कोरोना काल समाप्त होते ही हमें चाय की मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और अगर शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है, तो हम यही कहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहना
फिर उसके बाद कोरोना वॉरियर का सम्मान देना, देवदूत जैसे बड़े बड़े नामों से सम्मानित करना, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बिल्कुल सर, मैडम हम ये सम्मान वापस करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। जी सर बताइए क्या कहना आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैडम जी कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है 7 साल 8 साल से एम्बुलेंस में सेवा दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जीओ भी है कि परफेक्ट वर्कर को ऐसे निकाला नहीं जा सकता, उनका समायोजन हर स्थिति में करना चाहिए। और हमारी लीगल मांगे हैं जो कि अभी श्रम विभाग में श्रमायुक्त जी ने सेवा प्रदाता कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी उन्होंने कहा कि आप परफेक्ट वर्कर को निकाल कैसे सकते हैं, आपके पास NHM से कौन सा जीओ मिला है, किस जीओ के अंतर्गत आप इनको निकाल के नई भर्ती कर रहे हैं, और नई भर्ती भी स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की साठगांठ से भ्रष्टाचार से लिप्त हुई है। प्रत्येक नए वर्कर से 20,000 रुपये की DD ली जा रही है और उनको कम वेतन में, जो वर्तमान में वेतन मिल रहा है उससे कम वेतन में उनको रखा जा रहा है। और जो परफेक्ट वर्कर हैं जो 5 साल 7 साल से काम कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता निकाला दिखाया जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाली 26 तारीख को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आज 2 दिन से प्रत्येक जिला अस्पताल में इसी तरीके से हम लोग जो है धरना दे रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और हमारी मांगे मानी जाएं। सर आपका कुछ कहना है? इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार जो भी नीतियाँ जो पॉलिसियाँ इस समय लागू कर रही है ये बहुत युवा वर्ग के हितों में नहीं है, क्योंकि सरकार हम लोगों को स्वतंत्र भारत में पैदा होते हुए भी इस गुलाम भारत की तस्वीर पेश कर रही है हम लोगों के सामने, जिसकी मैं कड़े रुख से और कड़ा विरोध और निंदा करते हैं और सदा निंदा करता रहूँगा। सर आप बताइए, सर पहले कोरोना में अपनी जान को जोखिम में डाल के आप लोगों ने सेवा की, फिर आपकी नौकरियों पे इस तरीके से बात बनाई, अब धरना स्थल पे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार से क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं? धरना स्थल पे आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग कोविड के दौरान जब उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके माता पिता अपने लड़कों से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से दूर रहना चाहते थे, उस वक्त हम लोग अपने जान को हथेली पे रख करके और कोविड के दौरान अपने जान को, नौकरी को देखते हुए हम लोगों की मजबूरी थी कि हम लोग जा करके हर एक व्यक्ति को सेवा दिए और सेवा भाव से उनको ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जबकि हमारी एम्बुलेंस में जो मरीज रहते थे उनको हॉस्पिटल वाले लेने के लिए नहीं तैयार रहते थे और हम लोग उनको 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपने एम्बुलेंस में वेंटिलेटर देते हुए उनको जान बचाते हुए उनको सुरक्षित एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उनको लेकर के दौड़ते रहते थे और उनको सुरक्षित उनका जीवन बचाया। और इतनी सेवा भाव देते हुए, इतना मेहनत करने के बावजूद आज सरकार हम लोगों को ऐसे परिणाम पे पहुंचा दी है कि हमारे लोगों के नौकरियों के लाले पड़ गए हैं और आज सरकार ने हमारे लोगों की नौकरियों को ध्यान में न रखते हुए दूसरी कंपनी जिगिसा हेल्थ केयर को ला करके टेंडर दिया और उस कंपनी को ये नहीं दिया, ये नहीं कहा कि आप अगर गाड़ियों का हैंडओवर लेते हैं तो आप उसके साथ साथ में कम से कम कर्मचारियों का भी हैंडओवर साथ ले लें। तो ऐसी सरकार से हम लोग अब यही उम्मीद रख, किस प्रकार की उम्मीद रखें, सारी उम्मीदें जब हम लोगों की टूटती हुई नज़र आईं और एक महीने से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पत्राचार के माध्यम से अपनी बातों को हर एक शासन के अधिकारी पदाधिकारी सबके माध्यम से सबको पहुंचाया, लेकिन जब वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला, तो मजबूरन आज ये हम लोगों को धरने की स्थिति में हमको आज मैदान में उतरना पड़ा। और इसमें जो है हम लोग 23 कल से धरना हम लोगों का स्टार्ट हुआ है, 23, 24, 25 तीन दिवसीय धरना जो ये जारी है, इसमें हम लोग अपनी मांग को, अपने आवाज़ को, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं कि हे सरकार, हम लोग कोरोना योद्धा हैं, हम ही लोगों को आपने फूलों से, फूलों की बरसात की थी कि आप लोग कोरोना योद्धा हो,
और हमारे कर्मचारी ऐसे भी कर्मचारी रहे हैं जो कि ड्यूटी के दौरान बेचारे घर नहीं गए थे, और हम लोग जब ड्यूटी करके वापस आते थे तो लोग हमसे दूर भागते थे, हम लोगों को छूने तक नहीं तैयार होते थे। आज हम लोगों को सरकार इस दृष्टिकोण पर ला करके खड़ा कर दिए कि हम लोगों के ही नौकरी के लाले पड़ गए हैं। इसी प्रकार से सरकार से हम पाँच छः मांगे उनसे सरकार के सामने रख रहे हैं कि ठेका प्रथा को बंद किया जाए, समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए, एलएस कर्मचारियों का समायोजन किया जाए, हमारे 108, 102 जितने भी कर्मचारी हैं ये एम्बुलेंस के सारे भाइयों की नौकरी को सुरक्षित किया जाए, NRHM में के RFB में टेंडर प्रक्रिया में बदलाव किया जाए, और हमारे जो भी कोरोना काल के दौरान जो भी भाई शहीद हुए हैं उनके परिवार को 50-50 लाख की मुआवजा सहायता राशि प्रदान की जाए। एम्बुलेंस यूनियन जिंदाबाद। मैडम एक बात, हमारे साथी सर, तो जैसा आप बोला जा रहा है, आप लोगों ने एक स्लोगन भी निकाला है कि आपकी जो जॉब है वो परमानेंट की जाए, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस समय कोरोना काल था, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारत की रेल बंद हो गई हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लोग डर के मारे घरों के अंदर बंद हों, लेकिन वो काल ऐसा था कोरोना काल जब लोग घर के अंदर बंद थे, तो हमारे भाई लोग सब लोग दिन रात मेहनत करके उन लोगों को उठा रहे थे जिनसे घर वाले खुद दूर भाग रहे थे। इस कोरोना काल ने दिखा दिया कि भाईचारा और किस तरीके से कौन लोग मेहनत करने वाले लोग होते हैं। हम लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, जिस प्रकार सैनिक बॉर्डर्स पर मेहनत करते हैं और अपनी जान की परवाह करे बगैर दुश्मन से लड़ते हैं, वही दुश्मन आज कोरोना था जो देश के अंदर आ चुका था। हमने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, हमने लगन के साथ सरकार का साथ दिया। सोचिए, अगर ना होता तो एक बार को अगर जब नोटबंदी हुई थी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती, नहीं होता तो आज हेल्थ इमरजेंसी आ चुकी होती भारत के अंदर, लेकिन हमने सरकार का साथ दिया, सरकार का सहयोग दिया। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसे हमारे साथ जो ये गलत हो रहा है, हम सरकार के पक्ष में हैं, सरकार के विपक्ष हम किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारी बात को सुनेंगे, उन तक ये बात पहुँचाएँ, आपका चैनल उन तक ये बात पहुँचाए, आपका जो संबंधित अधिकारी हैं NHM के अपर्णा उपाध्याय जी, जो उत्तर प्रदेश के DG हेल्थ है वहाँ तक बात पहुँचे, जो सचिव हैं वहाँ तक बात पहुँचे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं करी, लेकिन आज जो ये चीज़ हो रही है इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा आहत हैं। आप सोचिए, हम लोगों ने घर के बाहर थाली रख दी जाती थी, हम लोगों ने डर से अपने अपने छोटे से बच्चों के पास नहीं जाते थे, अपनी माँ बाप के पास नहीं जाते थे कि कहीं हमारी कोई बीमारी, कोई कोरोना पॉजिटिव हो के उन तक ना पहुँच जाए। आप सोचिए जरा, वो समय क्या था, रास्ते में गाड़ी चला रहे होते थे लेकिन आंखों से आंसू निकल रहे होते थे जब मरीज को मरते देखते थे, हम कई बार बचा नहीं पाते थे। इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी मुसीबतें देखने के बाद आज हमारे को मात्र 12-13 हज़ार रुपये हमारी सैलरी है। सोचिए, 12-13 हज़ार रुपये क्या हमारा घर का राशन हम खरीद पाएंगे तरीके से, जिस प्रकार से महंगाई चल रही है। 8 साल 5 साल की हमें मेहनत करने के बाद, इतनी अच्छी नौकरी देने के बाद हमें आखिरी में ये सिला मिलेगा? हमें पूरा विश्वास है ये अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे, और ये बात पहुँचने के बाद हमारी जो मांगे उसका बस निस्तारण हो, इसके सिवाय हम कुछ नहीं कहना चाहते।